Every child's success story starts here. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. Assalamu alaikum nazreen, aate hain aaj ki ek ahem khabar par. Venkateshwar Rao, Naga Lakshmi. ये जोड़ी बड़ी भयंकर जोड़ी है. बंटी बबली कह सकते हैं या रूप की रानी चोरों का राजा भी कह सकते हैं. बहरहाल ये जोड़ी ने आतंक मचा रखा था हमारे देश में, हमारे स्टेट में. आज ही हमारी ये खबर है शादनगर से. शादनगर में वेंकटेश्वर राव और नागा लक्ष्मी ये किराए का मकान लेते हैं. कुछ दिन कुछ महीने उस मकान में रहते हैं, फिर उसके बाद मकानदार का कत्ल कर उसके घर से पैसा और ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते हैं. खैर बहरहाल शादनगर में सिर्फ एक ही मकानदार को इस तरह का काम इन्होंने नहीं किया, इनका ये पेशा बन चुका था. जहाँ भी जाते हैं ये तलाश करते हैं कि मकानदार कैसा है, उसके पास कितना पैसा है, फिर उसके पास एक आइडिया बनाकर एक प्लान बनाकर जाते हैं, उसका मकान किराए पर लेते हैं, कुछ दिन कुछ महीने रहते हैं, फिर उसके बाद उसका भी कत्ल कर फरार हो जाते हैं. इसी तरह का एक वाकया पेश आया था शादनगर में नवंबर 2020 में. इन लोगों ने मकानदार का कत्ल कर उसका पैसा लेकर फरार हो गए थे. आखिरकार शादनगर की पुलिस बड़ी मेहनत और मशक्कत से इन खातिलों को ढूंढ निकाली है और पुलिस ने इनको अरेस्ट भी कर लिया है. इसी के ताल्लुक से वहां पर एक प्रेस मीट मुनक्द की गई थी. शमशाबाद DCP इसकी तफसीलात आपको सुनाएंगे. आइए आपको दिखाते हैं प्रेस मीट की खास खबर. शादनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नवंबर 2020 में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक मंगली सुवर्णा वाइफ ऑफ बलराम 45 इयर्स उनका मर्डर हुआ था. वो उनके घर में जो किराएदार था दो लोग, गुंज वेंकटेश्वर राव एक बंदा और एक लेडी उनका नाम है सानु गोमुला नागालक्ष्मी, ये दोनों मिलके उस घर में किराएदार जैसे नवंबर मंथ में आए थे. ये दोनों भी गुंटूर जिला के रहने वाले हैं. ये गुंजा वेंकटेश्वर का ऊपर पहले भी बहुत केसेस है, 12 के ऊपर केसेस है. तो ये दोनों ने मियाँ बीवी बोल के घर में आया था नवंबर 2020 में और किराए के वजह से रह रहा था. और जब 15 दिन होने के बाद जब वो हाउस ओनर जो बलराम है वो उनके काम पे गए थे, तब ये मंगली सुवर्णा एक ही लेडी घर पे था. तो ये दोनों ने मेडिकल शॉप से स्लीपिंग टैबलेट्स लिया है. स्लीपिंग टैबलेट्स लेकर कल्लू कॉम्पाउंड को जाकर कल्लू कॉम्पाउंड से कल्लू लेके उसमें स्लीपिंग टैबलेट्स मिला के और इनके घर आके इनको पिलाया. और जब वो बेहोश हुआ तो उनको मार के मर्डर करके उनके बॉडी के ऊपर जो गोल्ड था वो पूरा गोल्ड लेकर ये लोग चले गया. जाने के बाद फिर ये लोग गुंटूर में थोड़े दिन रुकने के बाद फिर सूर्यापेट में जाके मुथूट फाइनेंस में गोल्ड बेचकर 1 लाख रुपए लिया है. उसके बाद उनके ऊपर एक्सीडेंट हुआ है. वो घटकेसर में कुछ क्रिश्चियन कॉलोनी में रह रहा था और फरवरी में दूसरा एक मकान लिया है. उधर भी एक लक्ष्मी बोल के हाउस ओनर से ऐसे ही पहचान मियाँ बीवी जैसे एक्ट करके उधर भी एक घर लिया है. घर लेके उधर भी वो लक्ष्मी को बेहोश करवा के उधर भी 10 तोला का गोल्ड लेकर भाग गया. और ये दोनों के ऊपर पहले भी बहुत केसेस है, 12 केसेस है. वाइजैग में है, गुंटूर में है और मेडचल में है, मेदक में है और कामारेड्डी में है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, निज़ामबाद में है. हर जगह इनके ऊपर 2009 से 2019 तक 10 साल में 12 के ऊपर केसेस है. और अभी 2 केसेस में उनको अरेस्ट कर रहे हैं. शादनगर का नवंबर 2020 में मर्डर केस और घटकेसर का जो रॉबरी 420 और 379 थेफ्ट केस हुआ है, दोनों केस में उनको गिरफ्तार कर रहे हैं. इनसे 5 लाख का गोल्ड को रिकवरी भी किया है और थोड़ा गोल्ड उधर सूर्यापेट में है, उसको पुलिस कस्टडी में लेके उधर भी रिकवरी करेंगे. और इसमें पूरा ACP शादनगर कुशालकर और इंस्पेक्टर शादनगर और SIs और उनका कांस्टेबल शिव कुमार है, सभी मिलके बहुत मेहनत करके इनको अरेस्ट किया है. हम सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक को कि आप जब भी किराए में किसी को घर देते हैं तो 100% उनका पूरा डिटेल्स आपके पास होना है, जैसे कि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आई डी कार्ड, रेशन कार्ड वगैरह, पूरा उनका डिटेल्स आपके पास होना है. उनका फ़ोन नंबर होना है आपके पास, उनका फोटोज़ भी होना है आपके पास और किसी के ऊपर भी ज़्यादा
वो नहीं, उनके ऊपर भरोसा मत करना, किसी के किराएदार के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करना और अलर्ट रहना कि किराएदार भी ऐसा कातिल कर सकते हैं। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success. Others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.